go. There's no doubt. Gotta get out of this small town. You took जी सर, जो पता है सर, ये माई का जो सिस्टम है इसका जी, ईएमआई वाला जो सिस्टम है सर, नेसेसरी क्या है? मतलब कंफर्म ऐसा है कि हो जाएगा सबका ईएमआई या नहीं होगा? क्या कंडीशन है? वो ईएमआई का ऑप्शन जो है सर, आपकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से होता है सर। अब हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग? चलो उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं आ चुका हूँ आप सभी के लिए एक और नई वीडियो लेकर के ओला स्कूटर की तरफ से। तो आज ये जो वीडियो होने वाली है काफ़ी स्पेशल होने वाली है आप सभी के लिए, जो ईएमआई का वेट कर रहे हैं, किनको ईएमआई मिलेगा, क्या सिस्टम है, और अगर ईएमआई नहीं मिलेगा तो उनका पैसा कहाँ जाएगा, अगर क्या वे फुल पेमेंट दे करके बुक कर पाएंगे, तो सारा कुछ इसी में बात करेंगे। देखिए, बहुत सारे लोग हैं जिनके पास इतना पैसा नहीं है कि पूरा दे करके बुक कर पाएँ, तो इसीलिए मैंने सारा कुछ आपके लिए इसी वीडियो में इंक्लूड किया है। तो पूरी वीडियो को देखिएगा, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपने 499 दे करके ओला S1 या S1 Pro दोनों में से कोई एक रिजर्वेशन किया, साथ ही में 20,000 आपने पेड किए और आप वेट कर रहे हैं कि EMI का ऑप्शन आएगा, तो हम EMI दे करके स्कूटर को 299 पे हम ले लेंगे और बाकी मंथली हम पेमेंट करते रहेंगे। तो यहाँ पर क्या है, ओला कंपनी का सिस्टम है, मैंने कस्टमर केयर से बात किया है, तो सारा कुछ मैं इंक्लूड कर ही दूँगा, आप उसको भी सुन लीजिएगा। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट बातें ये हैं, कुछ लोग इसमें कमेंट कर देंगे कि भाई ऐसा है वैसा है, जो कुछ भी है मैंने सारा क्वेश्चंस बस आप ही लोग के लिए किया है कि क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे करना है अगर आपका ऐसा होता है तो। तो अगर आपके पास ये सिस्टम नहीं है कि आप फुल पेमेंट कर पाएँ तो वो दिक्कत होगा। आप कुछ लोगों का होगा कि इतना हम फुल पेमेंट कैसे कर पाएंगे, तो ओला लिंक सेंड करने वाला आप सभी को, उस लिंक पर जाकर के अगर आप ओला स्कूटर की डिलीवरी से पहले आपको पेमेंट करना है, फुल पेमेंट करके आप स्कूटर बाय कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर ईएमआई सिस्टम के बारे में बात करें, तो ईएमआई अगर आप एलिजिबल होंगे तो मिलेगा। एलिजिबिलिटी चेक करने का कई सिस्टम है, आप वहां जाकर के चेक कर पाएंगे, गूगल पे जाकर के आप चेक कर पाएंगे, अपना क्रेडिट स्कोर आप चेक कर सकते हैं, क्रेडिट स्कोर कितना है आपका, उसके हिसाब से आपको मिलेगा। लगभग 700 से ऊपर होना चाहिए क्रेडिट स्कोर, इसके ऊपर मेरे एक वीडियो है। लेकिन यहाँ पर अब इनका क्या सिस्टम है, कस्टमर केयर बोल रहे हैं कि जब ऑलरेडी डिलीवरी चालू हो गई और आपका 25 अक्टूबर के बाद से आपको सिस्टम में शो होने लगेगा, वहाँ से आप जा करके चेक कर पाएंगे कि क्या होगा, उसके बाद ही आप कैंसिल कर पाएंगे, उसके पहले आप कैंसिल नहीं कर पाएंगे। यदि कैंसिल आप करते भी हैं तो आपको बैलेंस नहीं मिलने वाला, तो इस बात को आप ध्यान रखिए, जल्दीबाजी में आप कैंसिल ना करें तो आपके लिए बेटर होगा। और रही बात बाकी सारी चीज़ों की, तो वो सारा कुछ मैंने इंक्लूड किया है कि कैसे आपका पेमेंट आपके खाते में आएगा, कैंसिल करेंगे तो कितने दिन लगेंगे, साथ ही साथ क्या सिस्टम होगा कैंसिल करने का, क्या सिस्टम होगा ईएमआई का, किनको ईएमआई मिलेगा, किनको ईएमआई नहीं मिलेगा, वो सारा कुछ मैंने इसी वीडियो में डिस्कस किया है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगी, अगर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा जो अभी भी आस लगाकर बैठे हैं कि ओला स्कूटर का ईएमआई सिस्टम चालू होगा तो हम बुक कर लेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात है, जिन लोगों ने बुकिंग किया, अगर ईएमआई सिस्टम होगा तो उनके लिए ज़्यादा उनको मतलब प्रॉब्लम नहीं होगी, ऑलरेडी वो स्कूटर को बाय कर सकते हैं। मैंने भी ऑलरेडी बुक किया है, लेकिन एक बाइक अगर 60 हमारे यहाँ जो स्कूटर पड़ रहा है 1,64,000 के आसपास की प्राइस जा रही है, तो उतना एक बाइक देना बड़ी मुश्किल की बात हो जाएगी किसी भी एक कस्टमर के लिए। तो ये सारे सिस्टम हैं, बहुत कम ही लोग होंगे जो EMI के अलावा किसी अदर सिस्टम के माध्यम से ये मतलब एक बाइक पूरा फुल पेमेंट दे के लेंगे, लेकिन जिनके पास है वो अपना कर सकते हैं, जिनके पास नहीं है उनका अगर EMI एलिजिबल होगा तो उनको मिलेगा, नहीं तो फिर वो कैंसिल कर सकते हैं, पैसा उनको मिल जाएगा, ये कंपनी का दावा है। तो चलिए कंपनी के दावे को सुनाते हैं, क्या क्या सिस्टम कंपनी के कस्टमर केयर ने बताया है वो सारा कुछ हम फटाफट से सुन लेते हैं। ओके जी सर, जी सर EMI का जो सिस्टम है इसका जी, EMI वाला जो सिस्टम है सर, नेसेसरी क्या है? मतलब कंफर्म ऐसा है कि हो जाएगा सबका EMI या नहीं होगा, क्या कंडीशन है? वो EMI का ऑप्शन जो है सर, आपकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से होता है सर। अब किधर भी जाए सर, ऑफलाइन ही नहीं, ओला में नहीं, अब बाकी बैंक जाएंगे तभी आपकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से ही आपको EMI दिया जाएगा सर। तो क्या सिस्टम सर, अभी देखिए अभी तक हम लोग वेट कर रहे हैं, पता चला कि लास्ट में हमने 20,000 दिया भी है, बुक तो मैं कर चुका हूँ 20,000 फिर 499 का मैंने ऑलरेडी रिजर्वेशन और प्लस ये S1 Pro के लिए टोटल, तो कुल मिला जाकर मतलब हमने 20,500 रुपए लगा दिए। इसके बाद से EMI अगर नहीं मिलता है तो हमें कैंसिल करना पड़ेगा,
तो ये कुछ चेक करने का तरीका हो कि आदमी अभी कंफर्म कर ले क्या वो एलिजिबल है नहीं, सर, अभी, नहीं है। अभी अभी जैसे आप 20,000 पे कर दिया है ना सर, तो आप जब आप बाकी का अमाउंट पे करने जाएंगे तभी आपको अपडेट दिया जाएगा सर। क्योंकि सर देखिए हमको EMI पे लेना है, हम ही को नहीं, बहुत सारे ऐसे कस्टमर होंगे जिनको EMI बेस पे ही रुके होंगे कि हमको लेना है। अभी EMI जब अगर उनका एलिजिबल नहीं होंगे तो कुछ सिस्टम होना चाहिए जिससे आदमी चेक करे, कंफर्म कर ले कि हम हैं कि नहीं है, कुछ तो होना चाहिए। अब सर आप आइए, इसके हिसाब से आप बाकी का पेमेंट करने जाएंगे तभी अपडेट दिया जाएगा सर। ओला इलेक्ट्रिक में ऑप्शन ऐसे ही है सर। अच्छा, तो जैसे सर कुछ कंफर्मेशन है ऐसा कि लगभग कितना तक क्या होगा तो हो जाएगा कंफर्म किसी कस्टमर का? सर नहीं सर, सर वही बता सकता हूँ, आपके एलिजिबिलिटी के हिसाब से ही दिया जाएगा सर। बाकी चेक आपका बस उसी में होगा जब हम बुक करने जाएंगे, बाकी का पेमेंट करने तभी कंफर्म होगा। बाकी का पेमेंट करने जाएंगे तभी होगा सर। और अगर नहीं होता है तो फिर आदमी को कैंसिल ही करना पड़ेगा, जिससे वो आपकी मर्जी सर। आप फुल पेमेंट करना चाहे तो फुल पेमेंट कर सकते हैं। सारे कस्टमर के पास एक बैग उतने रुपए थोड़े ना होते कि जैसे मेरे यहाँ ये स्कूटर, मैं मऊ से बात कर रहा हूँ, हमारे यहाँ सब्सिडी नहीं मिल रही है, तो हमारे यहाँ जो स्कूटर जा रहा है इसकी प्राइस 1,64,000 जा रही है और मैंने 20,000 पेड किया, तो सर उतना कैसे आदमी एक बैग पेड कर पाएगा, वो भी तो सोचना है। और रही बात कि सर अभी कंफर्मेशन नहीं होगा, अगर चलिए मान लीजिए हम कैंसिल ही करते हैं, अगर नहीं होता है तो EMI, तो बैलेंस कितने दिन में खाते में, खाते में ही आएगा या कैसे आएगा बैलेंस उसका? सर आप किस माध्यम से आप पे किया है ना सर, उसी माध्यम से। अच्छा, उसी माध्यम से खाते में आ जाएगा, उसी माध्यम से खाते में आ जाएगा सर। तो टोटल पेमेंट आएगा सर, मतलब में आएगा ये टोटल आएगा सर 20,499 रुपए सारा आएगा सर आपको, ये 7 से 10 वर्किंग डेज में आएगा सर। तो ये हम 25 अक्टूबर के बाद ही हमें कंफर्म होगा। अच्छा, ये थोड़ा सा कंफर्म कर, EMI वाला जो सिस्टम है ये कब से वहाँ पे स्टार्ट हो जाए कि हम वहाँ से मतलब बाकी का पेमेंट कर सकते? अभी हमें स्टार्टिंग कुछ दिखाना है, मेरे पास बस एक ही चीज दिखा रहा है कि आपका दिसंबर में, 1 दिसंबर से लेकर 1 दिसंबर के बीच में आपका शिपमेंट होगा, और मेरे पास ये वो वाला ऑप्शन नहीं दिखा रहा सर, बैलेंस वाला। अभी ऑप्शन किसी को भी स्टार्ट नहीं हुआ सर, बैलेंस पेमेंट करना है मुझे, तो वही एक बार बताइए कब तक ऑप्शन आएगा सर? जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हमारी तरफ से अपडेट आएगा सर, वो ऑटोमेटिक सिस्टम जनरेट होता है सर। ये बड़ी दिक्कत है, कंफर्मेशन डेट तो कुछ होना चाहिए ना, मतलब कब तक स्टार्ट हो, 25 के बाद होगा या सर, कब तक सर? वो उतना वो कभी भी आ सकता है सर, कभी भी आ सकता है मतलब। अच्छा, सबको अलग अलग डेट पे आएगा कि एक पर्टिकुलर डेट पे ही आएगा? ये तो होगा आपके पास, एक पर्टिकुलर डेट पे आएगा सर। अच्छा, सबके लिए एक पर्टिकुलर डेट ही होगा? जी जी, जैसे आपने 15 सितंबर को हमारा परचेज स्टार्ट हुआ था, तो जो लोग रिजर्वेशन किए सभी लोग, उनको सभी को ऑप्शन आया था। वैसे जैसे लिंक आया आपको 20,000 आपने पे किया, ठीक है सर, वैसे जब आपको अपडेट किया जाएगा हमारी तरफ से बाकी का पेमेंट कब बोल के, तब आप पेमेंट कर सकते हैं सर, ठीक है सर। स्कूटर डिलीवरी से कितने दिन पहले लगभग ये ऑप्शन आ जाएगा सर? अभी वही बता रहा हूँ सर, अभी कभी भी आ सकता है, थोड़ा वेट कीजिए। अच्छा, वेट करना, कभी भी आ सकता है जी सर, बिल्कुल सर जी, ठीक है सर जी। बोला ले, तो आपने सुनी लिया होगा क्या कस्टमर केयर ने बताया सब कुछ, और यहाँ पर ये जो बता रहे हैं कि इनका जो बाकी का पेमेंट है EMI करना या फुल पेमेंट करने का, अभी लिंक कभी भी ये दे सकते हैं, कोई कंफर्मेशन नहीं है कंपनी वालों के पास में, अब ये कभी भी आपको दे सकते हैं, आपको वेट करना है, केवल वेट करिए, जैसे ही डेट मिलेगा आपको तब तक ही वेट करना, मतलब वेट करिए वेट करिए वेट करिए। तो चलिए, कुछ कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, बस वही है। लेकिन भाई अगर EMI हो जाए तो थोड़ा सा ये रहेगा कि हाँ इतने दिन रुके हैं तो ठीक है, नहीं तो भग यही होगा कि फिर हमारे ही पैसे से कंपनी वाले काफ़ी अच्छा खासा, क्योंकि 20,000 अगर आप 2 या 3 महीने के लिए खाते में रखते हैं तो उसका अगर 5% भी आप निकालेंगे तो कुछ तो बनता है भाई ना। उस हिसाब से ओला ने लगभग 1100 करोड़ का बिजनेस किया है, तो आप उसके हिसाब से निकाल लीजिए कि 3 महीने में ओला ने कुल कितने रुपए कमाए होंगे, अगर 5% या 10% का ब्याज भी अगर उसको इंटरेस्ट मिलता है तो, क्योंकि ये सारा पैसा बैंक में ही होगा और बैंक इनको इंटरेस्ट देगा उसके ऊपर, तो ये तो आपको पता ही होगा। तो इसी बेस पे सारी कंपनियां काम करते, केवल ये ओला की ही बात नहीं है, जितने भी आपकी ऑटोमोबाइल्स कंपनियाँ हैं, चाहे आपके 4-व्हीलर की कंपनी हुई, टू व्हीलर की कंपनी हुई, सारे लोग ऐसा ही करते हैं, पहले पेमेंट ले लेते हैं कस्टमर से, उसके बाद 2 से 3 महीने बाद ही उनकी डिलीवरी होती है, तो वो 2-3 महीने जो होता है वो सारा पैसा जो होता है ये इनका अपना फिक्स खाता होता है जिसमें ये रखते हैं, उसके हिसाब से फिर ये बिजनेसमैन अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं या किसी और के बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, और वहाँ से फिर ये पैसा अच्छा खासा
कमा लेते हैं। तो इनका ये सिस्टम होता है, क्योंकि ये लोन के सिस्टम पे काम नहीं करते हैं, तो ये कस्टमर से ही एडवांस पैसा लेते हैं और उसी के हिसाब से ये वर्किंग चलता है। तो ये सारी कंपनी का सिस्टम है। चलिए देखते हैं अब ओला क्या करता है, कैसे डिलीवरी करता है, EMI सिस्टम चालू होता है कि नहीं होता है, ये सारा कुछ बस अभी देखना है, वेट करना है। और अभी हम लोग के पास में कोई सिस्टम नहीं है। अगर आप क्रेडिट स्कोर चेक भी कर लेते हैं, चाहे आप एलिजिबिलिटी चेक भी करते किसी और माध्यम से, तो पता नहीं इनकी वेबसाइट पे वो आप एलिजिबल होंगे नहीं होंगे, या ये सबके लिए EMI चालू कर देंगे। अब देखते हैं क्या करते हैं, बस हमें एक ही चीज़ करना है, अभी वेट करना है आपको कि जब तक इनकी वेबसाइट से लिंक ना आ जाए या वेबसाइट में जाके शो ना करने लगे EMI वाला ऑप्शन, जहाँ से आप फॉर्म भर के चेक कर पाएँ आप एलिजिबल हैं कि नहीं। ओके, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।